होगा। लखीमपुर में अपराध और अपराधियों के खिलाफ चला अभियान, गोकशी करने वाला गिरोह गिरफ्तार। कोरोना के नए वेरिएंट से लड़ने को तैयार बुलंदशहर, सीएम मोदी की कोरोना गाइडलाइन पालन करने की अपील। संभल में अतिक्रमण को लेकर ग्रामीणों की शिकायत, ग्रामीणों ने की उप जिलाधिकारी से शिकायत। मेरठ में कबाड़ी ने घर में घुसकर की गर्भवती की पिटाई, मारपीट का वीडियो जमकर हो रहा है वायरल। संभल में मरीजों को मिलेगी निःशुल्क डायलिसिस सुविधा, सीएससी पर डायलिसिस यूनिट का लोकार्पण। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। खबर लखनऊ से है जहां उत्तर प्रदेश के परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह ने रात 2 बजे परिवहन विभाग के अधिकारियों को बिना सूचित के मोरंग से लदे ओवरलोड ट्रकों का औचक निरीक्षण किया। वहीं मंत्री के साथ चल रहे सुरक्षा कर्मियों को देखकर कई ओवरलोड गाड़ियां भागने लगी, जिसके बाद परिवहन मंत्री ने स्थानीय पुलिस को सूचना देकर बुलाया और उनकी मदद से गाड़ियों को रुकवा कर जाँच की। खबर लखीमपुर से है जहां अपराध और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने गोवंशीय पशुओं को काटकर बेचने वाले गिरोह के 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस और आरोपियों के बीच मुठभेड़ भी हुई, जिसमें 2 अभियुक्त गोली लगने से घायल हो गए। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से 4 गाय काटने के धारदार हथियार भी बरामद हुए हैं। एक गौवध की घटना कायम की गई थी, जिसमें 15 पशुओं का अवशेष प्राप्त हुए थे। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची थी, पुलिस ने प्राइमरी अपनी इन्वेस्टिगेशंस चालू की थी, अलग अलग टीम्स बना के हम लोग इस पर लगे थे। चूँकि एक बड़ी घटना थी, इस पर हमें पहले से अंदेशा था कि एक ऑर्गेनाइज्ड टाइप ऑफ सिंडिकेट इसमें काम कर रहा है। पुलिस ने कल देर रात इसका अनावरण किया है, 2 लोगों को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। टोटल गिरफ्तारियाँ अभी तक हमारी 14 हो चुकी हैं, 14 लोग, और अभी गिरफ्तारी के लिए लगभग 4 लोग और शेष है। टोटल 18 लोग इस क्राइम में इन्वॉल्व अभी तक हमें पाए गए हैं। अगर अग्रिम इन्वेस्टिगेशन में कोई और पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। खबर संभल से है जहां रास्ते पर लंबे समय से चल रहे अतिक्रमण को लेकर ग्रामीणों ने उप जिलाधिकारी गुन्नौर से शिकायत की थी। ग्रामीणों ने बताया कि खेतों में फसल लाने जाने में काफी दिक्कतें हो रही थी, जिसके बाद उप जिलाधिकारी ने राजस्व विभाग की टीम के साथ मिलकर पुलिस बल समेत रास्ते को कब्जा मुक्त कराया, साथ ही पुनः कब्जा करने को लेकर कार्यवाही करने की चेतावनी भी दी। पिछले महीने मेरा ग्राम चौपाल था रोला नवाजी का, उसमें कई ग्रामवासियों द्वारा शिकायत की गई थी, गाँव में चक्रोड है उनमें लोगों का अवैध अतिक्रमण है, जिससे लोगों को निकलने में दिक्कत होती है, गन्ने की फसल नहीं निकाल पा रहे हैं। इसके तहत आज ये अभियान के रूप में यहाँ पे पुलिस बल के द्वारा चक्रोड खाली करवाए जा रहे हैं। कितना लगभग होगा? लगभग 4 चक्रोड हैं, इनका एरिया लगभग होगा आधा हेक्टेयर के लगभग। जो भी इनका कब्जा आज खाली करवा दिया गया है, इनको चेतावनी दी गई है कि भविष्य में इसमें किसी पर कोई कब्जा ना करें, यदि कब्जा करते हैं तो इनके ऊपर विधिक कार्रवाई करते हुए FIR भी पंजीकृत कराई जाएगी। ठीक। खबर बुलंदशहर से है जहां शहर कोरोना के नए वेरिएंट से लड़ने के लिए तैयार है। वहीं सीएमओ का कहना है कि शहर के 15 हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन प्लांट, 14 प्राइवेट प्लांट और पर्याप्त बेड्स की व्यवस्था कर दी गई है, साथ ही एक L1 और 4 L2 श्रेणी के कोविड हॉस्पिटल्स की तैयार भी है। कोई भी कोरोना केस मिलने पर जीनोम टेस्टिंग को निर्धारित लैब भेजा जाएगा। वहीं सीएमओ ने लोगों को कोरोना गाइडलाइन पालन करने की अपील भी की है। अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट्स हैं और एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भी ऑक्सीजन प्लांट है। जो हमारे जो कर्मचारी हैं उनको ऑक्सीजन प्लांट को ऑपरेट करने की प्रशिक्षण दिया गया है और वो उसको नियमित रूप से रोजाना चलाते हैं, उसकी उनकी फंक्शनलिटी चेक करते हैं। सभी ऑक्सीजन प्लांट्स पे जनरेटर की भी व्यवस्था है कि अगर किसी वजह से बिजली की आपूर्ति नहीं होती है तो जनरेटर के द्वारा हम उनको चला सकते हैं। कोरोना के लिए हमने 5 डेडिकेटेड अस्पताल बना रखे हैं, जिनमें से कि एक L2 श्रेणी का है। और
खबर रायबरेली से है, जहां तेज रफ्तार के चलते लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। आपको बता दें कि एक डिलीवरी बॉय सामान की डिलीवरी करने जा रहा था, तभी एक अज्ञात तेज रफ्तार लोडर ने अचानक ब्रेक मार दी, जिससे बाइक सवार लोडर से जा टकराया और घायल हो गया। वहीं लोडर चालक मौके से लोडर लेकर फरार हो गया है। लोडर वाला ठोक से भाग गया। ये लोडर वाला कहाँ का है? ये आसपास के कई गांव का बता रहे हैं सब लोग। बाइक में ज़्यादा चोट आई है? हाँ, बाइक देख रहे हो आप। आपको कहाँ कहाँ लगी है? हमारे थोड़ा सर में खाली लगी, टूटा नहीं है, सूजन है। लोडर वाला रुका कि नहीं रुका? नहीं रुका, थका, दो तीन मिनट रुका, बाद में बातचीत करूँ गाँव वालों से, तब तक बातचीत। खबर संभल से है, जहां किडनी की बीमारी से जूझ रहे मरीजों को निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा प्रदान किए जाने के लिए SCSC पर डायलिसिस यूनिट का लोकार्पण किया गया। वहीं इस दौरान माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री, जिलाधिकारी समेत अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। चंदोशी के विकास के लिए जितनी मेरे अंदर क्षमता है उतना मैं विकास करूंगी, और हमारी सरकार जो है वो वचनबद्ध है शिक्षा के प्रति और चिकित्सा के प्रति। जिस समय कोरोना हुआ था उस समय ऑक्सीजन की बहुत बड़ी कमी हुई थी, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का पूरा प्लांट लगा हुआ है, यहाँ पर भी और नरौली में भी, और चंदोसी और नरौली दोनों जगह, बैजोई में भी है ना, बैजोई में भी। तो मैंने 22 लाख रुपए जो है विधायक निधि से दिए थे। इससे पहले इसके लिए जो आज जो डायलिसिस की व्यवस्था यहाँ पर की गई है, इससे पहले मैंने इसके लिए भी व्यवस्था की थी। और विधायक खबर मेरठ के थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र से है, जहां एक कबाड़ी ने घर में घुसकर गर्भवती महिला और उसकी एक साल की बच्ची की जमकर पिटाई कर दी। कबाड़ी ने गर्भवती महिला के पेट पर लात भी मारी, जिससे उसकी हालत खराब हो गई, जिसका वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वहीं पीड़ित परिवार ने मामले में पुलिस से शिकायत भी की है, जिस पर SPCT का कहना है कि मारपीट के मामले में तहरीर मिली है, तहरीर के आधार पर जाँच कर कार्रवाई की जाएगी। खबर बुलंदशहर से है, जहां लगभग 2 दर्जन लोग पंचायत भवन निर्माण के झगड़े को लेकर हुए विवाद में निष्पक्ष जांच कराने के लिए SSP दफ्तर पहुंचे। आपको बता दें कि 7 दिसंबर 2022 को पंचायत भवन निर्माण के झगड़े को लेकर एक महिला की हत्या हुई थी। इसके बाद पुलिस इस मामले में दोनों पक्षों के लोगों को जेल भी भेज चुकी है। गाँव बदरखे का रहने वाला हूँ, और जी पंचायत भवन का निर्माण हो रहा था, ठेकेदार लेकर के JVC आया और वो सफाई के लिए ऑर्डर करा था DPRO साहब ने, सेक्रेटरी ने भेजा था, और ये 5-7 आदमी आए, इन्होंने आकर के मुझ पर लात घूसे बजाने शुरू कर दिए, बट भी मारी। और फिर उस्मान आया मुझे बचाने के लिए, तो उस पर भी मारने के लिए भागे, वो घर भाग गया जान बचा के, और फिर वहाँ जा कर के इन्होंने पथराव किया। फिर मामला है, मामला ये है कि मेरा आदमी मार लगा। नाम क्या है आपका? मेरा नाम सरोज है जी। और मेरे आदमी मार लगाई थी, मैं कदम 10-12 आदमी मेरे आदमी से घुस रहे थे, कोई लोग बचाने के लिए आया, हम सिर्फ एक वो रहे ही है, हम जाट एक ही है भीमरो में। मार किस लिए लगाई गई आपके हस्बैंड? मार ये कि बिल्डोजर पंचायत घर तू लेकर आया है इसी को। कौन लगाया था बिल्डोजर को? सरकारी की तरफ से? सरकार ठेकेदार ने भेजी थी, ये बोले कि मैंने नहीं भेजी, ठेकेदार ने भेजी है बिल्डोजर। खबर प्रयागराज से है, जहां गार्डन एसोसिएशन के जानकी वाटिका में एक बैठक आयोजित की गई। अध्यक्ष प्रभा भार्गव के नेतृत्व में बैठक सकुशल संपन्न हुई। उन्होंने सभी सदस्यों को प्रकृति के सानिध्य में रहने को प्रेरित किया। इस दौरान गार्डन एसोसिएशन के सदस्य सदस्य जमनोत्री गुप्ता जी ने बताया कि कोरोना काल के बाद से पेड़ लगाने के लिए भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पेड़ हमें सब कुछ देता है और पेड़ एक संतान की तरह है। कार्यक्रम के अंत में सभी महिलाओं को पौधे देकर संरक्षण करने का संकल्प दिलवाया गया। और यहाँ पे जितने भी लोग यहाँ पे आते हैं वो बहुत खुश होके जाते हैं, बहुत उनको अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ का जो वातावरण है वो फूलों से भरा हुआ है, और लोग देखते हैं, आइडियाज़ लेते हैं और अपने घर में फिर इम्प्लीमेंट करते हैं। तो बागवानी बढ़ाने का, लोगों के हर घर पहुंचाने का यही हमारा उद्देश्य है। मैं स्मिता अग्रवाल गार्डन एसोसिएशन की वाइस प्रेसिडेंट हूँ। और किस महीने कौन सा पौधा लगेगा, लेकिन ये साल का अंत होता है, और साल का अंत होता है तो नए साल का एक नया उत्साह देने के लिए, सबको जागरूक करने के लिए, और नया संदेश देने के लिए कि नया साल आ रहा है, सबके जीवन में खुशियां रहें, सब लोग प्रसन्न रहें और सभी लोग जागरूक रहें।
अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।